केंद्र और दिल्ली सरकार में एक बार फिर से ठन गई है। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है, तब से उनकी केंद्र की मोदी सरकार से कभी नहीं बनी। कभी दिल्ली के उपराज्यपाल उनके काम में रोड़ा अटकाते हैं, तो कभी केंद्र के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस। इस बार केजरीवाल की राह में रोड़ा बनी है CBI, जिसने CM दफ्तर पर ही छापा मार दिया। हालांकि CBI का साफ साफ कहना है कि उसने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से जुड़े मामले को लेकर ये छापेमारी की है। लेकिन इस घटना से केजरीवाल बिफर पड़े हैं और उन्होंने BJP के साथ साथ PM मोदी पर जमकर जुबानी बाण चलाए। उन्होंने PM मोदी को सनकी तक कह डाला। नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे केजरीवाल और मोदी में जो हमला हुआ है, आपस में वार चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, कांग्रेस मुंबई के उपाध्यक्ष जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश सिंह जी, आपका स्वागत है। और साथ ही साथ राजेश शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वाकई ऐसा कैसे हो गया। अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में CBI ने छापा मारा है। उनका दफ्तर सचिवालय की तीसरी मंजिल पर है। छापेमारी की खबर के तुरंत बाद केजरीवाल ने PM को कायर बताया। बताया जा रहा है कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से जुड़े मामले को लेकर यह छापेमारी की गई। छापे की खबर आते ही केजरीवाल दिल्ली सचिवालय के लिए निकल गए अपने घर से। केजरीवाल ने इस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब मोदी मुझसे राजनीतिक तौर पर नहीं निपट पाए, तो उन्होंने इस कायरता का सहारा लिया। PM कायर और सनकी हैं। पहले ट्वीट, फिर कैमरे के सामने केजरीवाल ने केंद्र सरकार को जमकर लताड़ लगाई। दिल्ली सचिवालय में CBI छापेमारी पर केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ गई है। राजेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का एक केस दर्ज किया गया है। CBI ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली और UP में 14 जगह छापेमारी की। इसी मामले में दूसरे आरोपी TCIL के GM और ICIL के पूर्व MD GK नंद के घर से 10.5 करोड़ रुपए बरामद हुए। 10.5 करोड़ रुपए। राजेंद्र के घर से 12 लाख रुपए और 3 अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं। वहीं दफ्तर से कुछ दस्तावेज, एक बैग, कुछ पत्र और पेन ड्राइव बरामद की गई है। सूत्रों का कहना है कि राजेंद्र अपना ईमेल दिखाने से लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं और CBI का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले दावा किया था कि छापा उनके दफ्तर पर पड़ा है, लेकिन CBI ने तुरंत इसका खंडन कर दिया। कहा छापा CM दफ्तर पर नहीं, बल्कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के घर और दफ्तर पर मारा गया है। वहीं इस छापेमारी के बाद संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों तक भूचाल मच गया। स्वाभाविक था, एक के बाद एक राजनेताओं द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। सबसे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में बयान दिया, जहां जेटली ने बताया कि इस छापेमारी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। तो इसके बाद इस बयान पर भी विपक्ष ने संसद में हंगामा शुरू कर दिया। The Chief Minister of Delhi, his office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal as the Chief Minister of Delhi. There is a corruption case complaint with the CBI against one officer in the Delhi government. That officer is attached to the office of the Chief Minister. 14 different places have been searched by the CBI. It is that officer who has been searched. And the search is in relation to a case for an alleged offence committed in his capacity before he joined the office of Mr. Kejriwal. The raid has nothing to do with Mr. Kejriwal's office. तो ट्विटर के जरिए अपना पूरा टेंशन निकालने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने। स्वाभाविक सी बात है, वो CM हैं और दिल्ली की जनता ने उनको चुना है। और जिस तरह से ट्विटर के जरिए उन्होंने अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं का इजहार किया, ऐसे में उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है।
फिर क्या, अरुण जेटली के बयान के बाद मानो दिल्ली की सियासत में हड़कंप सा मच गया, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक ट्वीट कर सीबीआई और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने की लगातार कोशिश की। तो ट्वीट किया है कि वित्त मंत्री ने संसद में झूठ बोला, मेरे खिलाफ सबूत के लिए मेरे ऑफिस में फाइलों को खंगाला गया। बता दें कि संसद में अरुण जेटली ने सफाई दी कि सीएम के दफ्तर पर छापा नहीं मारा गया। यह अरविंद केजरीवाल का है ट्वीट कि सीबीआई ने मेरे दफ्तर पर छापा मारा है। जब मोदी मेरा राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाए तो वे कायराना हरकतों पर उतर आए हैं, मोदी कायर और मनोरोगी हैं। ये सब अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के जरिए सामने आई बातें। सीबीआई झूठ बोल रहे हैं कि मेरे ऑफिस पर ही रेड डाली गई है, सीएम ऑफिस की फाइलें देखी जा रही हैं, मोदी खुद ही बता दें कि उन्हें कौन सी फाइल चाहिए। राजेंद्र के बहाने मेरे दफ्तर की सारी फाइलें देखी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, ट्वीट के जरिए इन बातों को रख रहे हैं। मैं ही ऐसा अकेला सीएम हूं जिसने खुद एक मंत्री और एक सीनियर अफसर को करप्शन का आरोप लगने के बाद हटाया था, और ये लगातार सिलसिला जारी है। अगर सीबीआई के पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ कोई सबूत थे तो वो मेरे पास साझा क्यों नहीं किए गए, मैं उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेता। तो जाहिर है दिल्ली का जो मौसम है काफी सर्द है, लेकिन राजनीतिक गर्मी का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री और केजरीवाल की जो बातचीत चल रही है ट्वीट के जरिए, मीडिया के जरिए, या फिर हम जिस तरह से बात करेंगे आज उसके जरिए। और इस चर्चा में हमारे साथ, जैसा कि हमारे मेहमान शामिल हैं, जयप्रकाश सिंह जी हैं, मुंबई के उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। जयप्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और राजेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश शर्मा जी, आप बताइए, क्या केजरीवाल को वाकई निशाना बनाया जा रहा है, या फिर जिस तरह से वो ट्वीट के जरिए सनकी बोल रहे हैं, मनोरोगी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री को, कितनी बेचैनी महसूस कर रहे हैं? हमें बिल्कुल बेचैनी नहीं है, बेचैनी इन लोगों को हो गई है, क्योंकि क्या है, इसकी वास्तविकता ये है कि ये बहुत डरे हुए हैं। हम पिछले दिनों से, आप देख रहे होंगे, हमारी पार्टी का जो मेन मकसद है जी, भ्रष्टाचार खत्म करना है। अब हमने जिन बड़े नामों का, उसमें आप देखिए, जिस 2002 का ये मामला बताया जा रहा है राजेंद्र कुमार जी का जो नाम है, उनसे जुड़ी हुई फाइलें, यहाँ तक कि उप राज्यपाल नजीब जंग जी की भी फाइल, शीला दीक्षित जी की फाइल, ये सारे उसमें बहुत सारे नाम हैं। एक्चुअली हकीकत ये है कि उन बहानों से उनको ये देखना था किन किन की फाइलें हैं, और हमें बाकायदा काम करने से रोका जा रहा है। और ये सारा जो तमाशा हो रहा है, ये पूरी पब्लिक, देश की जनता, दिल्ली की जनता देख रही है। और आप यकीन मानिए, ये इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि किसी लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से आप बिना बताए हुए उसके फाइलों को जांच कर रहे हैं, उनके सचिवों को हटा रहे हैं। आप एंटी करप्शन में जो हम लोग काम कर रहे थे दिल्ली में, जनता के लिए हम जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे मुद्दे थे, उससे रोकने के बहाने किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने, देखिए, वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली जी, उन्होंने संसद में कहा है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और ये सीबीआई का अपना मामला है। सबसे पहले सुन लीजिए पहले, और निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा उठता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से शब्दार्थ किया है, सनकी वर्ड यूज किया है, कायराना शब्द यूज किया है, इसको हम किस तरह से लें, आपसे हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं योगेश वर्मा जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। योगेश जी, ये जो पूरा विवाद आया है, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला जा रहा है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। क्या है, जब जब भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर या उनके संबंधित लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है जी, वो अपने आप को छुपने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, और अपने आप को एक मार्टियर घोषित करने के लिए वो मोदी जी का नाम का उपयोग करते हैं। ये जो अधिकारी हैं, इन सभी जिनको इन्होंने पीएस लिया अपना, और बाकी इनके ऊपर 7-7, 8-8 कंप्लेंट पहली करप्शन की थी सीबीआई के पास जी, जिसकी जांच उन्होंने अपनी ताकत से नहीं होने दी थी। अब सीबीआई उसकी जांच कर रही है, इन अधिकारियों की जांच कर रही है। इससे पहले की जो सरकार के अंदर कॉमनवेल्थ गेम का हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए?
क्या ये करप्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल आप एक और करप्शन की बात करते हो और एक और आपकी खुद की जब सरकार आकंठ करप्ट अधिकारियों के साथ डूबी हुई है तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप खुल के बोलिए कि अगर ये अधिकारी करप्ट है, इनको जांच के अंदर अगर अगर ये करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं तो इनको आप सजा दीजिए। उसकी जगह पे आप मोदी जी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई, अगर ये बड़े अधिकारी हैं, कोई बड़ा ऑफिस है, तो क्या उसके ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप जहाँ पर दिल्ली के मैदानों में बैठ करके और करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, आप कहते हैं कि हायर ऑफिसर्स के अंदर करप्शन के खिलाफ युद्ध होना चाहिए, जब वो चालू है तो आप उसके बीच में आने की जगह आपको समर्थन करना चाहिए। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कानून के ऊपर है क्या ये देश में? कानून बड़ा है या अधिकारी बड़े हैं? अगर अधिकारी कितना भी बड़ा हो और वो वायलेशन करता है, वो करप्शन करता है, तो वो किसी भी किस्म का रेड होने का पूरा अधिकार है सरकार का। सरकार को उसके ऊपर रेड भी करना चाहिए और अगर करप्शन के सब मामले बाहर निकलते हैं तो उसके ऊपर सजा भी होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। हाँ, योगेश जी, पहले आम आदमी पार्टी का पक्ष ले लेते हैं। अच्छा राजेश जी, जिस तरह से योगेश जी बता रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, तो इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो आप परेशान क्यों होते हैं? नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। हम कहते हैं और भी नाम है। आप बिल्कुल, आपके मुद्दे में तो रॉबर्ट वाड्रा से लेकर के कितने आपके दागी मंत्री हैं, यहाँ से लेकर साउथ तक, मद्रास तक, क्या आपने उनके ऊपर कार्रवाई की आज तक? क्या आपके आपको पता नहीं है हम जिनको एंटी करप्शन का चीफ बना करके बिठाया दिल्ली में, वो खुद करप्शन के उसके अंदर इन्वॉल्व थे? आपने उसके ऊपर कार्रवाई की? नहीं की, क्योंकि ये नीयत साफ बता रही है इनकी कि हम लोग जो दिल्ली में काम कर रहे हैं उसमें किस तरीके से अड़ंगा डाला जाए ताकि केजरीवाल काम न कर पाए दिल्ली में। लेकिन वो सफल नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता, इस देश की जनता सामने देख रही है कि किस तरीके से केंद्र जानबूझ करके, जब केजरीवाल जी से कहीं पर भी वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हमने जो हमारे मुद्दे कहे थे एक एक करके हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये पहला हमको चुनाव के वक्त में, आपने देखा होगा एक डिबेट के अंदर कहीं से हमको पता चला कि किसी ने एप्लीकेशन डाली, आमिर खान ने कहीं किसी डिबेट में ये बात कही थी कि इस तरीके से ये फॉर्म आए हैं, इसमें ये दागी। हमने ऑन दिस, हमारे डिप्टी सीएम मनीष जी ने, वो डिबेट चालू थी उसी के बीच में हम दोनों उन दोनों आदमियों को, हम लोगों ने जो भी हमारे कैंडिडेट्स थे हमने उनको बाहर किया। तो ये भी होने देते ना, अगर जिस तरह से सीबीआई ने छापा मारा है। नहीं, लेकिन सर मैं क्या कहता हूँ, अगर आपको ये लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, कोई ऐसा एरागर आदमी तो नहीं है, आप अगर सीबीआई के पास ये था कि इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं राजेंद्र कुमार जी के ऊपर, आप उनसे साझा करते? देखिए, अगर सीबीआई को सरकार कुछ कहती तब भी आप आरोप लगाते? बिल्कुल नहीं, हम तो बिना इससे पहले अभी हमने एक मंत्री को हटाया जिसकी किसी मीडिया ने नहीं कहा, हमको खुद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने साफ साफ सदन में कहा है कि वाकई सरकार का कोई लेना देना नहीं। हम आपसे आपके पास आएंगे, लेकिन हम कांग्रेस का भी पक्ष जान लेते हैं। जयप्रकाश जी आपसे आएंगे, राजेश शर्मा जी एक बार, जयप्रकाश जी आप बताइए इस विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात है तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। बीजेपी में कितनी आ गई मंत्रियों का विवाद, सुषमा स्वराज से लेकर वसुंधरा राजे से लेकर के तमाम लोगों का आ गया, यहाँ पर महाराष्ट्र में चिक्की घोटाला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कार्रवाई उस पर भी होना चाहिए। जब आपको दूसरा कोई दिखाई दे रहा है तो आपके घर में भी क्या हो रहा है उसको पर उस पर भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये तो एकदम हिटलर शाही हो गया है, और केजरीवाल जी को भी हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहते हैं, आपका अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको होने देना चाहिए, उस पर आपको इतराज नहीं जताना चाहिए। मुख्यमंत्री का कोई फाइल चेक तो नहीं हो रहा है, वो बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि वो अधिकारी का फाइल चेक हो रहा है, अधिकारी के पास ऐसा सबूत आया है, तो उसको आपको करने देना चाहिए। लेकिन ये दोनों आदमी क्या है, अपने को समझते हैं कि यही है राजा हरिश्चंद्र के जैसे ईमानदार हैं और बाकी सब बेईमान हैं, इसलिए दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम ट्विटर की भाषा की बात करें, आप कायराना शब्द इस्तेमाल करते हैं देश के प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक अपनी गरिमा होती है, उनको सनकी कहना, क्योंकि आपके राज्य में तो इस तरह की भाषा नहीं चलती थी। नहीं, कभी इसको नहीं। आप क्या किस तरह से देखेंगे? ये तो बहुत निम्न स्तर की भाषा है आपस में, तो ये तो केजरीवाल जी का पुराना भाषा है। अपने कार्यकर्ताओं को भी किस तरह से वो बात किए थे जो सामने आया था,
गाली के रूप में बात किए थे, तो ये निम्न भाषा का उपयोग एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है, नहीं करना चाहिए एक प्रधानमंत्री के लिए। बिल्कुल, इसका मैं बिल्कुल। अच्छा योगेश जी, अगर अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने सबसे पहले ही अपना पक्ष रख दिया, चाहे वेंकैया नायडू जी हों, वित्त मंत्री जी हों, उन्होंने जब अपना बयान दिया उसके बावजूद भी ट्विटर का जो खेल है लगातार जारी है। आपको नहीं लगता कि वाकई सरकार और सीबीआई का जो लेना देना होना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर, उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है? हर चीज का फायदा उठाने की कोशिश करती है, अपने गलत कामों को छुपाने के लिए वो ऐसा चेहरा बना करके और लोगों के बीच पेश करने की कोशिश करती है कि जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। इनको जो भी कोई कार्रवाई हो रही है वो करप्शन के खिलाफ हो रही है, जिसका आपने बहुत बड़ा प्रचार किया, वही काम केंद्र सरकार कर रही है। आपको उसके अंदर केंद्र सरकार के कोई भी काम के बीच में बाधा न बनते हुए, और आपका जो लोगों को आपने आश्वासन दिया था कि आप करप्शन फ्री सरकार लाएंगे, उस वक्त आपने कहा था ना कि आप छोटे छोटे लोगों के ऊपर रेड करते हो लेकिन बड़ी बड़ी मछलियों के ऊपर रेड नहीं करते और ये नहीं करते। जब इस टाइप की कार्रवाई हो रही है तो उसका विरोध न करते हुए और उसका समर्थन करना चाहिए। आप आगे आने वाले टाइम में देखो कि कितना बड़ा षड्यंत्र इसमें से बाहर आएगा। आप देखिए कि किस प्रकार से नॉन करप्शन की बातें करने वाले लोग और कितने बड़े बड़े करप्शन में लिप्त हैं, अंदर के क्या क्या साझा इनके कार्यक्रम चल रहे हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये रेड कितनी जरूरी थी, और इस टाइप के अधिकारियों का डरना बहुत जरूरी है। आज अधिकारी सरकार के ऊपर हावी है, होना ये चाहिए कि सरकार को बॉस होना चाहिए अधिकारियों का, पर अधिकारी जिस फाइल में उनको दो पैसा मिलेगा वही फाइल को आगे बढ़ाते हैं, बाकी सारी फाइलों को परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, आम जनता को दुखी करने का काम करते हैं। ये लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं, ठेकेदारों के लिए काम करते हैं, आम जनता इनकी पहुंच से बहुत दूर है। अंग्रेज इस देश से चले गए और उन्होंने जाने में एक ऐसी व्यवस्था जो हमेशा एंटी इंडियन रही है। अभी हमारे साथ एकदम ताजा बयान आया है केजरीवाल जी का, पहले केजरीवाल जी का लेटेस्ट बयान सुन लेते हैं फिर इस चर्चा को हम आगे, तो केजरीवाल साहब ने क्या अपनी बात को किस तरह से रखी है पहले सुन लेते हैं। जिन ठेकों की ये बात कर रहे हैं उन ठेकों की फाइलें अभी तक दिल्ली सरकार से मांगी नहीं गई हैं। उन्होंने कहा कि आईटी सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ठेके दिए, तो आईटी डिपार्टमेंट में भी रेड नहीं मारी उन्होंने, मुख्यमंत्री के दफ्तर में रेड मारी है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में 10 या 15 दिनों से ज्यादा पुरानी फाइलें नहीं होती है। मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर फाइलें मेंटेन नहीं होती है, अलग अलग विभागों से फाइलें आती है, मैं साइन करता हूँ, फाइलें वापस उस विभाग में चली जाती हैं। मुख्यमंत्री के अगर 2007 से 2014 के बीच के ठेकों की ये जांच कर रहे थे तो मुख्यमंत्री के दफ्तर में तो वो फाइलें मिली नहीं सकती, वो तो पुरानी फाइलें हैं, वो पुराने उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो मुख्यमंत्री के दफ्तर के अंदर वो कौन सी फाइलें ढूंढ रहे थे, पहली चीज। तो इसका मतलब इनकी मंशा पुराने ठेकों को जांच करने की नहीं है। जितनी जगहों पे इन्होंने वो मारे हैं वहां वो पुराने ठेके नहीं मिलने वाले। पुराने ठेके जो जिनकी ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है फाइल में, वो वहां पे वेट डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर है। दूसरी चीज, अगर ये वो ठेके दिए गए थे तो सरकार के अंदर ठेके एक आदमी नहीं देता, नीचे से फाइल चलती है, उसके ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। उनको क्यों नहीं रेड मारी, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए। जो उस वक्त के डिप्टी सेक्रेटरी थे, उस वक्त के स्पेशल सेक्रेटरी थे, उस वक्त के मंत्री थे शीला जी की कैबिनेट के अंदर, जो भी उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर था, जो भी उस टाइम का आईटी मिनिस्टर था, उसके यहाँ रेड नहीं मारी, उससे नहीं पूछा कि भाई साहब आपके समय में ये राजेंद्र जी ठेके दे रहे थे, आप क्या कर रहे थे, उनके भी तो फाइल होंगे साइनों पे, उनके भी तो साइन होंगे फाइलों पे, उनके यहाँ रेड नहीं मारी। मंत्रियों के, शीला दीक्षित जी की कैबिनेट के जो मंत्री थे जिन्होंने मान लो ठेके गलत दिए गए थे, गलत दिए फांसी पे टांग दो, सबको टांग दो, शीला जी के मंत्रियों के साथ आपकी क्या दोस्ती है अगर ठेके गलत है, उनको क्यों नहीं किया? उस वक्त का स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना सेक्रेटरी, ढिलका सेक्रेटरी, वो उसको क्यों नहीं किया? मकसद उन ठेकों की जांच करने का नहीं, मकसद केजरीवाल है। राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। सुबह से सीबीआई आके मेरे दफ्तर के अंदर सारी फाइलें जांच कर रही है, सारी फाइलें, पिछले 10-15 दिन की फाइलें आई हुई हैं जिनको मुझे साइन करना है, वो सारी एक 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 फाइल खोल खोल के देख रही है। क्यों देख रही है?
सीबीआई आज मेरे दफ्तर में क्यों आई है, कौन सी फाइल ढूंढ रही है, ये मेरे को बताना जरूरी हो गया है। कौन सी फाइल ढूंढने के लिए आए हैं सीबीआई वाले? ये फाइल है डीडीसीए की फाइल, जिसके अंदर अरुण जेटली फंस रहे हैं। अरुण जेटली पिछले कई सालों से प्रेसिडेंट है डीडीसीए के, और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए थे ये, इनको कोई लेना देना नहीं है। अरे राजेंद्र ने क्या ठेके दिए थे? अरे राजेंद्र ने ठेके दिए थे अगर 2007 में, तो 2015 तक क्या कर रहे थे मोदी जी? आपकी सरकार आ गए तो बहुत दिन हो गए। अब 2015 तक आपने, मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। केजरीवाल नहीं डरने वाला, आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला, मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब हैं। तुम्हारे तो कर्म खराब हैं, तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगू मैं देश से। तो केजरीवाल साहब बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आए। योगेश जी, हमने पूरी बात सुनी इनकी, सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगे? केजरीवाल की नौटंकी है, इसको कहते हैं नौटंकीबाज, और सिर्फ नौटंकी करना, दिल्ली के लोगों को गुमराह करना, सारे गलत काम करना, गलत लोगों का साथ देना, और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई हो तो लोगों के बीच जाना और जाकर के इस प्रकार के नौटंकी करके, जैसे मदारी होता ना, अभी ये भाषण कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री का भाषण है या किसी मदारी का रोड शो है। अच्छा, तो लेकिन जेटली जी पर भी गंभीर निशाना लगा दिया उन्होंने, आरोप लगा दिया। किसी पे भी निशान लगा सकते हैं ना, ऐसा ऐसा बोल, ऐसा मैं भी किसी के ऊपर भी बोल सकता हूँ ना, कोई किसी के ऊपर भी बोल सकता है। जो उनके ऊपर रेड उनके ऊपर आ रही है, जांच उनकी चल रही है, जांच अधिकारी की चल रही है, बराबर, उसके बीच में इतनी बड़ी स्टोरी करना, अपने आप को मार्टियर बताना, अपने आप को इस तरह का, यानी ये तो काम में बाधा डालने वाली बात है। जांच को पूरी हो जाने दो, लोग भी बैठे हैं, प्रेस भी बैठी है, पत्रकार भी बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, सब उसका निर्णय करेंगे। आप अपना निर्णय समय से पहले, जब वो जांच चल रही है, कौन से फाइल देख रहे हैं कौन से नहीं, ये तो बाहर खड़े हुए, इनको पता नहीं है, फिर भी ये बाहर खड़े होकर के कुछ भी लोगों के बीच, इनका मेल साइडिंग का काम है। दिल्ली की जनता बड़ी भोली है, उन्होंने केजरीवाल के भाषणों में आकर के, केजरीवाल के जाल में आकर के, और आपको भी तो दरकिनार कर दिया ना दिल्ली की जनता ने। आपके 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 इस बात पे आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया ले, राजेश जी, ये जो जिस तरह से मदारी वर्ड यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई नहीं? आप देखिए इनकी भाषा देखिए, जो मर्यादित भाषा है, इतने बड़े देश को पूरे सेंटर में ये लोग आए हुए मेजोरिटी से, उनकी भाषा देख लीजिए। लेकिन मैं भाषा में नहीं जाता हूँ। इन्होंने कहा ये धरना देने वाले हैं, इन्होंने कहा ये अराजक हैं, इन्होंने कहा ये एनार्किस्ट हैं, अब ये कह रहे हैं नौटंकीबाज है। भैया लेकिन जनता तो देख रही है इस नौटंकीबाज को, 67 सीटें देकर, तीन तो गलती से कहीं रह गई होगी कोई चूक, तो वो ठीक हो जाएगी आने वाले समय में। लेकिन ये जो नौटंकी कर रहे हैं अभी कि इन्होंने एंटी करप्शन की ताकत हमसे छीनी ताकि काम ना हो, फिर ये झुग्गी झोपड़ी है, तो गरीबों को, तुम गरीबों के लिए काम कर रहे हो या पूंजीवादियों के लिए, पहले वो बताओ। क्योंकि पैसे वालों के लिए, एनआरआई लोगों के लिए तुम काम कर रहे हो, और देश की गरीब जनता ने तुमको चुन करके भेजा है, और उनके 500 झोपड़े रात को इस ठंड के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मार करके तुमने बाहर किया है, पहले वो किया, उसके बाद में उससे पहले इन्होंने एंटी करप्शन छीना, और अब ये सीबीआई की। अरे क्या तुम साबित करना चाहते हो? तुम सामने आकर के लड़ो और केजरीवाल से सीधे बात करो अगर ताकत है तो, ये पीछे से वार करना बंद करो। और वाकई जो अभी केजरीवाल जी ने कहा, हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इस जैसा इस देश के अंदर नेता ना पैदा हुआ न होगा। और ये जो डर है और ये जो हरकतें ये कर रहे हैं, ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। लेकिन वो धमकी दे रहे हैं ना सीधा सीधा? धमकी की कोई बात नहीं है, हम देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, और उसके बीच में जो भी आएगा हम इसी भाषा में बात करेंगे, क्योंकि हम किसी भी पूंजीवादी, किसी भी पैसे वाले के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस देश की आम जनता के लिए हम लोग घरों से निकले हुए हैं, और सबसे पहला जो हमारा मकसद है, इस देश में से भ्रष्टाचार खत्म करना, और उसके लिए जो भी सामने आएगा हम अपनी जान हथेली में लेकर निकले हुए हैं, और ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। देश की जनता देख रही है सामने। तो जनता सीबीआई को जांच करने दीजिए ना, हम क्या मना करते हैं? उन्होंने कहा ना केजरीवाल जी ने, अरे फांसी दे दो ना तुम,
तुम क्या चेक करो ये बताओ। एक जांच तो सब, सब, सब एक, मैं कह रहा हूँ कि एक एक लोकतांत्रिक पद्धति से चुनकर अगर आप कह रहे हो वो पीएम है तो वो सीएम है, आपको उनको बताओ, उनको विश्वास में लीजिए, हम खुद निकाल के देंगे। आज डिप्टी सीएम हमारे मनीष जी कह रहे थे, आप हमें कहते हैं भाई हम खुद जनता के सामने खड़े रहकर के कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए निकले हैं, तो हम खुद फाइलें ला के देते। हमारा अगर मंत्री कोई आदमी खुद केजरीवाल है, मैं हूं या कोई भी है, आप ले आइए उसको फांसी में चढ़िए, सरेआम पब्लिक के सामने उनको बताइए इसने करप्शन किया। आपके पास यही व्यापम से लेकर के यहाँ महाराष्ट्र की जो हमारी इकाई है उसके अंदर वो राजस्थान में वसुंधरा कितने अभी घोटाले, कितनी चिल्ला चिल्ली हुई, कुछ किया आपने? एक शब्द तक नहीं बोला। चलिए, इस देश में कांग्रेस ने एक लंबे समय तक शासन किया है। कांग्रेस ने, कांग्रेस को पता है कि सीबीआई किसके अंडर में होती है। जयप्रकाश जी, आपको पता है पूरी घटनाक्रम की जानकारी भी है आपको, आरोप ये भी लग रहे हैं कि जिस तरह से सरकार सीबीआई को अपने तरीके से काम करवाती है, क्या आप सहमत हैं इससे कि वाकई सीबीआई वही करती है जो सरकार चाहती है? आपके ऊपर भी सीबीआई तो स्वतंत्र है, लेकिन जिस तरह से घटना हो रहा है इसलिए इस तरह से लोग शक कर रहे हैं कि इस तरह से हो रहा है। लेकिन आप पार्टी को भी भ्रष्टाचार का जब आपने विरोध किया है और आपको मालूम है कि अरुण जेटली जी इतना भ्रष्टाचार किए हैं, तो आपने उनकी फाइल क्यों नहीं आज तक उजागर किया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई किया? आपको करना चाहिए ना। इतना मालूम है कि अरुण जेटली बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किए हैं आप कह रहे हैं, तो उसको करना चाहिए था, आप क्यों छुपा के रखे थे? इसलिए भ्रष्टाचार का विरोध होना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों को अपना घर दिखाई नहीं दे रहा जहां इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने भी बताया तो अपना घर भी तो देखो भाई, एक उंगली दूसरे तरफ घुमा रहे हो तो तीन उंगलियां अपने तरफ भी आ रही है, अपना घर भी देखो, जो हर जहां जहां आपकी सरकार है भ्रष्टाचार में डूब गई है। कांग्रेस का बयान है, योगेश जी आपके पास हूं, राजेश जी, योगेश जी अपना घर देखने की बात कर रही है कांग्रेस। अभी अभी क्या क्या जवाब दूं मैं इस बात का? हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इतना 2000 रुपए के टॉयलेट पेपर खरीदे, एक टॉयलेट पेपर 2000 रुपए का, एक एयर कंडीशनर सेट 90 लाख रुपए का। आप देखिए क्या नहीं हुआ। जो कॉमनवेल्थ गेम पूरे देश की इज्जत का प्रश्न होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे अपने घर की बेटी की शादी हो जो पूरा वर्ल्ड आकर के देखता है, ऐसे में आपने जो करप्शन के पैमाने इस देश में बनाए, आपने क्या चीज के अंदर करप्शन नहीं किया, क्या वेरिएशन हुआ, और वो व्यक्ति इस प्रकार के करप्शन के बारे में मतलब बीजेपी को सब सिखाने के लिए आएंगे, ये देखने लायक है। पहले सब बोलेंगे कि आप कार्रवाई करो कार्रवाई करो। अरविंद केजरीवाल जी का अगर आप पुराना भाषण देखेंगे तो वो कहते हैं कि बड़ी बड़े बड़े ऑफिसर्स पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, इस पे क्यों नहीं होती, उस पे क्यों नहीं होती, सब पे नहीं होती, और जब जैसे हुई वैसे फिल्म मिलाना शुरू। यानी भाषण अलग, कोई भी किसी भी शब्द का इस्तेमाल, आप देखे आपने फ्रस्ट्रेशन देखी थी क्या उनकी, कि पता नहीं उनकी कौन सी फाइल ऐसी थी जो सीबीआई के हाथ में लग जाएगी, तो उन्होंने पहले से भूमिका बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। और ये तो कितना लोगों को 60 साल कांग्रेस और उसके बाद में कांग्रेस समर्थित समझो या आप और बाकी कांग्रेस समर्थित पार्टियां, तो ये किस प्रकार से देश के साथ में और देश को नुकसान पहुंचाने के काम कर रही है। आप देखिए कोई भी विपक्ष की सरकार को ये चलने नहीं देते, विपक्ष की जैसे ही सरकार बनेगी और केंद्र में आएगी तो वो किस क्या हश्र होता है उसका। ये तो पहली बार मोदी जी हैं जो कार्रवाई कर रहे हैं, वरना आज तक ऐसी किसने भी ताकत, इसके इसका तो अप्रिसिएशन होना चाहिए कि टॉप ऑफिसेस आपने देखा होगा इससे पहली बार बजट से पहले सीबीआई ने रेड करके बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बजट को लीक कराते थे जी। तो उसकी उसके ऊपर कार्रवाई की उन्होंने, उसका तो किसी ने अप्रिसिएशन नहीं किया। और एक जो खतरा देखिए देखिए आप इसके अंदर देखिए कि किस प्रकार से ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, पहली बार आपको नहीं लगता है कि रेवोल्यूशनरी कदम उठा है कि इस लेवल के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है? क्या इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, क्या इसका स्वागत नहीं करना चाहिए, क्या इस लेवल के अधिकारियों को खुला छोड़ देना चाहिए जनता को लूटने के लिए? आप दोनों से पूछिए, आप दोनों से, अगर केजरीवाल जी के ऊपर भी जांच चल रही है तो क्या वो जांच नहीं होनी चाहिए? उनको जांच का साथ नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, जांच तो सबके, अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो कहीं ऐसा लिखा हुआ है संविधान में कि इनकी जांच नहीं हो सकती? अगर ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इनकी जांच हो रही है तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जनता के प्रति वो जवाबदेह नहीं है? बिल्कुल, पूछ लेते हैं। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक चौहान जी पर कार्रवाई हुआ, हाँ, हमारे यहाँ तमाम केंद्र के मंत्रियों पर कार्रवाई हुआ, क्या यह नियम आपके मंत्रिमंडल में लागू नहीं होता है? सुषमा स्वराज जी के ऊपर उन्होंने
ने नीचे और व्यापार घोटाला के ऊपर ये आपके पार्टी में सब कार्रवाई नहीं हो सकती। वसुंधरा राजे को क्या किया? तो दूसरे लोगों ने ही कर सकते हैं। वसुंधरा राजे पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक काला धन आप लोग बाहर भेज रहे हैं, झूठा बोल करके 15 लाख देंगे इस बात पर आम आदमी से। एक बार पहले योगेश जी को, योगेश जी जरा सुन लीजिए, वाड्रा पे एक महीने में कार्रवाई करने वाले थे उसकी सारी। और सरकार आपकी है, जो भी घोटाला है आपको तो पूरा छूट है, एक भी कार्रवाई क्यों नहीं किए? अपने सरकार के अंदर जो मंत्री लोग घोटाला कर रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जो नकली सर्टिफिकेट लेकर मंत्री बने हुए हैं उनसे आप पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 67 सालों से कांग्रेस पार्टी सेंटर के अंदर थी, ये लोग बड़ी पार्टी विपक्ष में थी। 44 साल तक 50 सालों तक कांग्रेस घोटाले करती रही और ये विपक्ष में बैठ करके उनके हर घोटाले पर ताली बजाते थे, वरना आज देश की हालत ये नहीं होती। अगर ये विपक्ष की पार्टी का एक जिम्मेदारी के तौर पर इन्होंने कांग्रेस को रोका होता, इस तरीके की कार्यवाही की होती, तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है कि अभी भी यही था कि जब भी कांग्रेस जाती तो बीजेपी को बोल के जाती, भैया हम जा रहे हैं, थोड़ा छोड़ के जा रहे हैं, तुम जब जाओ तो थोड़ा हमारे लिए छोड़ जाना। ये खो खो का खेल जारी था। नहीं, सुन लीजिए योगेश जी, सुन लीजिए, अब हुआ क्या, ये बीच में आ गए हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी कहां से आ गई है, ये गले का बन गया फांस, कांटा बन गया है और ये बहुत दिक्कत है। बड़ी अच्छी बात आपने कही, गला का फांस जनता तय करेगी। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम योगेश जी की बात सुनेंगे, लेकिन अभी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धमकी की राजनीति ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। लेमन प्राइम टाइम में एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं। हम अपने तमाम मेहमानों देखते रहिए लेमन प्राइम टाइम। आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज और आज जिस तरह से छापा के मुद्दे पर आज राजनीति गरमा रही है उसी पर चर्चा हो रही है। अगर हम बात करें छापेमारी की बात से, सीएम केजरीवाल ट्वीट पर छाए रहे लेकिन मीडिया और कैमरा के सामने नहीं आए, बाद में आए। वहीं केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह ईमानदार राजनीति को रोकने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले आज भ्रष्टाचार को आखिरकार संरक्षण क्यों दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के दफ्तर पे मारा गया, मुख्यमंत्री के कार्यालय में रखी हुई फाइलें छानी जा रही हैं। कौन सी फाइल देखना चाहते हैं मोदी जी, बताएं? हम तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उन्हें वो बताएं कि आपकी इस फाइल में भ्रष्टाचार है। हम खुद लेके जनता के सामने, देश के सामने, सीबीआई के सामने, खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर में पहुंच जाएंगे। लेकिन उनको बताना चाहिए कि वो चाहते क्या है। अगर वो सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई से, राजनीतिक रूप से दिल्ली सरकार को असफल बनाने के लिए, अफसरों को डराने के लिए, दिल्ली में अफसर जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए कि अगर केजरीवाल के साथ मिलकर काम करोगे तो तुमको टांग देंगे, ये अगर मैसेज देना चाहते हैं मोदी जी तो ये बहुत खतरनाक मैसेज है, इसका उल्टा असर पड़ेगा। अगर करप्शन का मामला है तो आप अरविंद केजरीवाल के घर पे छापा डालिए, दफ्तर पे छापा डालिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन
अगर आप बहाना बना के सीएम दफ्तर को सील करेंगे, सीएम दफ्तर में लोगों का आना जाना बंद करेंगे, सीएम दफ्तर में रखी हुई फाइलों को छानेंगे, तो इसका मतलब आप बहाना बना रहे हैं। दिल्ली में थर्ड फ्लोर पे सचिवालय में सीएम केजरीवाल का दफ्तर है, वहां पर अगर आप छापा डाल रहे हैं तो किस लिए डाल रहे हैं? इसका मतलब आप सीएम केजरीवाल को मैसेज देना चाहते हैं कि हम तुम्हें राजनीतिक रूप से परेशान करेंगे, करिए परेशान। लेकिन अगर क्योंकि ये जो दफ्तर है, प्रधान सचिव का कोई अपना दफ्तर थोड़ी होता है, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का स्टाफ है, उनका स्टाफ है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का दफ्तर है थर्ड फ्लोर पे, उसको सील कर दिया गया है, वहां पे स्टाफ को नहीं आने दिया जा रहा है, वहां पे रखी हुई फाइलों को सर्च किया जा रहा है, करें। लेकिन क्या चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, यानी भ्रष्टाचारी को संरक्षण अरविंद केजरीवाल दे रहे। सीबीआई ने अगर छापा मारा है तो किसी भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर मारा है, जान पड़ताल किए बिना भ्रष्टाचारी को संरक्षण अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। और मुद्दा यह है कि जिस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन के रूप में हुआ, वो आज भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए पकड़े गए हैं, और अब वो उल्टा प्रधानमंत्री पर ही आरोप लगाएंगे, यानी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की अगर शिकायत है तो सीबीआई अगर कार्रवाई करती है तो उसमें राजनीति कहां से आ गई? यह राजनीतिक आरोप जानबूझकर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी का है, भारतीय जनता पार्टी के नेता को एक बार सुन लेते हैं। योगेश जी, ये जो बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया, और उल्टा चोर कोटवाल को डांटे, इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे आम जनता के लिए आप? इसका तो परिभाषित आपने खुद ही कर दिया, इसको जो मुझे कहना था वो सब आपने खुद ही कह दिया। प्रकाश जावड़ेकर जी ने बहुत क्लियर कट कहा कि आपने इतनी घोषणा की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, आपने एक भी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं की। आपने भ्रष्ट अधिकारी जो कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हीं अधिकारियों को अपने साथ लेकर के उसी परिपाटी को कंटिन्यू करने की कोशिश की, मुंह में राम और बगल में छुरी, इस प्रकार का लोगों के बीच में मैसेज देने की कोशिश किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम से अभी इतना भ्रष्टाचार हो गया है तो उसके खिलाफ अगर इन्होंने एंटी करप्शन का नारा दिया तो लोग इनके साथ आ जाएंगे, सरकार इनके आ जाएगी, और लोगों को बेवकूफ बना करके ये वापस से वही सारे काम चालू रखेंगे जो पहले से होता रहा, तो वो कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। मोदी जी ने रोकने की कोशिश की, अभी अनाप शनाप मोदी जी के खिलाफ और गलत बयानात करते हुए और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी के हक में। और केजरीवाल जी अगर सच्चे होते तो इसका स्वागत करते। जो भी सच्चा व्यक्ति है, जो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो करप्शन से त्रस्त है, वो इसका बहुत बड़ा स्वागत करेंगे। देखो, आपको समझना पड़ेगा, ये अधिकारी जो है ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जड़ है। ये अधिकारी ऐसे टेंडर्स, ऐसे ठेके तैयार करते हैं जिससे सारा पैसा इनके घरों में चला जाए। इसके खिलाफ अगर मोदी जी ने जंग छेड़ी है तो मैं इसका बहुत तहे दिल से समर्थन करता हूं। कांग्रेस का भी नाम आया है, कांग्रेस का तो नाम हर घोटाले में, बगैर कांग्रेस का नाम लिए हाँ। घोटाला हो ही नहीं सकता। जयप्रकाश जी हमारे साथ, जयप्रकाश जी आप बताइए, क्योंकि आपकी तरफ भी उंगली उठाई है केजरीवाल साहब। ये ठीक है, बोलिए जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी बोलिए। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जहाँ सुई नहीं बनता था जहाज बना करके दे रही है। आज आप मंगलयान की यात्रा कर चुके, ये सब किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, उसको आप गाने रहे हैं। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने कुछ किया है, कांग्रेस ने अपने रहते समय में अपने मंत्रियों पर कार्रवाई किया है, यह काम आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके तमाम मंत्रियों पर आरोप लगा, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, चाहे व्यापक घोटाला के वहां के शिवराज सिंह जी हैं, चाहे सर्टिफिकेट घोटाला में शिक्षा मंत्री आपके हैं, चाहे यहाँ चिक्की घोटाला में यहाँ की पंकजा मुंडे जी हैं, तो आपको अपना घोटाला क्यों नहीं दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी तो मतलब अपने मंत्रियों के घोटाले पर कार्रवाई किया, अपने मंत्रियों को सजा दिया और अपने साथ हुए मंत्रियों की, और आपको आपको अगर मालूम था कि अरुण जेटली जी घोटाला किए हैं तो आपने उस पर कार्रवाई इन लोगों ने क्यों नहीं किया? तो आप लोग दोनों आदमी राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं और बाकी को पूरे दुनिया अगर को चोर समझते हैं, आप लोग गंगा जल हैं, बाकी जब
गंदा जल है, प्रदूषण की नहीं चलेगी। हाथी का दांत खाने का अलग, दिखाने का अलग। चलिए शर्मा जी, आप लोग काम मत करिए, बता दीजिए, आप लोग ईमानदारी से अपने तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने मंत्रियों को पर भी कार्रवाई करिए। और केजरीवाल जी जो भ्रष्टाचार मुक्त चाहते हैं तो अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश न करें केजरीवाल। ये जो कार्यवाही हुई है, आप देखिए, एक छोटा बच्चा जो होगा ना, जो एसएससी में होगा, उसके भी समझ में आएगा। राजेंद्र कुमार 2002 का ये केस है, 2002 का। अब एक आदमी तो उठ करके फाइल ले जा करके सारा कॉन्ट्रैक्ट ठेका नहीं बांटेगा। एक कैबिनेट है, एक टीम होती है, सबके साइन होते हैं और उसे प्रोसेस में एक जाता है सिर्फ। और उसको पकड़ने के लिए मुख्यमंत्री की ऑफिस में आप ढूंढ रहे हो उसके फाइलें, तो ये उनकी नीयत बिल्कुल साफ पता चल रही है और जनता बिल्कुल पारदर्शिता से इसे देख रही है। ये अलग बात है कि कुछ चैनल इन्होंने खरीद लिए तो उनको लगता है कि अभी हमारी न्यूज बाहर नहीं जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया से और हर जगह से पब्लिक को पूरा पता चल रहा है कि सेंटर गवर्नमेंट जो है दिल्ली के लिए क्या सोच रही है, दिल्ली वालों के लिए किस तरीके से अड़ंगा डाल रही है, ताकि केजरीवाल जो उनके लिए मुद्दे हैं भ्रष्टाचार से लेकर के उनके लिए जो भी हम लोगों ने मुद्दे किए वो काम ईमानदारी से न कर पाए। लेकिन एक बात, चाहे मैं आज मीरा भाईंदर से मैं बात कर रहा हूं यहां मुंबई से, लेकिन यहां से बैठे हुए कार्यकर्ता के तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम जनता के लिए किए गए वादों में जरा भी उसमें पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी लड़ाई लड़नी पड़े। और इस तरीके से जो ये कार्यवाही कर रहे हैं, इससे इनका नुकसान होगा, हमें बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। हाँ। ये तीन अभी चाहे तो अभी ये चुनाव करा के देख लें, जो तीन सीटें रह गई थी ना उसकी भी कसर पूरी हो जाएगी। और अभी हम इनको पंजाब से, और चाहिए तो ये अब यहां दिल्ली नगर निगम के चुनाव करा के देख लें, जवाब मिल जाएगा। लेकिन इनकी हरकतों से ये खुद अपने आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं। और ये नौटंकी कह रहे हैं, आप पूरी दुनिया में जो घूम करके नौटंकी। चलिए ये सब ठीक है योगेश जी, योगेश जी, इन्होंने कहा कि आपने कुछ चैनल भी खरीद रखे हैं, आपने कहा हमें खरीद लिया है। अभी देखो, अभी ये डेस्परेशन में क्या क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं चैनल खरीद डाले, पत्रकार खरीद डाले, ये खरीद डाले, वो खरीद डाले। अभी ये तो सोशल मीडिया पे वायरल है। सुन लीजिए, मीडिया खरीदने का आरोप लगाया आपने, सुन लेते हैं। इतना लंबा इस विषय को खींचेंगे तो कोई और शब्द नहीं होंगे तो और पता नहीं न जाने क्या क्या निकलेगा। तो इस बात का लब्बोलब्बा यही है कि ये कार्रवाई एक सराहनीय कार्रवाई है, ये सराहनीय कार्रवाई करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, एक बहुत बड़ा कदम है। बड़े अधिकारियों को ये जानना चाहिए कि उन वो फ्री नहीं है, वो भी उस जद में है, वो भी कानून से बड़े नहीं है जी। और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर वो सीधे नहीं चलेंगे। कार्रवाई होने करप्शन कार्रवाई करिए ना, आप बाकी के लोगों पर भी कार्रवाई करें, एक एक आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, बोल रहा हूँ पूरी टीम होती है। आप रॉबर्ट वाड्रा को आपका मुद्दा था मैन, उसको पकड़ के एक महीने में बंद करने वाले थे, दाऊद को एक महीने में लाने वाले, कितने मुद्दे हैं आपके, कितने मुद्दे योगेश जी बताइए ना, आपके मुद्दे में से आपने कितने पूरे किए हैं, इस देश की जनता के लिए आपने क्या काम किया मुझे बताइए। सिवाय दो साल में घूमने के सिवाय आपने इस देश के अंदर महंगाई कहां जाके पहुंची है, और गरीब मैं कहता हूं आम आदमियों के लिए कोई एक काम बताइए जो आपने किया हो, जो सीधा आम आदमी से जुड़ा हुआ एक काम बताइए। आपने पूरी दुनिया तो घूम ली, ये पता है लोगों को, लेकिन आम आदमी जो बेसिक यहां इस देश का जो नागरिक है, गरीब है, उसके लिए आपने सीधा सीधा उसको फायदा पहुंचाने वाला कौन सा एक काम है मुझे बताइए। यहां से मैं आपको बताता हूं, नहीं तो हम बताते हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने क्या काम किया। पहले आप बता दीजिए, एक सवाल पहले आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने क्या किया पूरे पूरे। सरोज जी आप बता दीजिए, फिर उनसे पूछेंगे। नहीं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, ये पानी से लेकर लाइट से लेकर के वहां से भ्रष्टाचार खत्म करने से लेकर ऑनलाइन करने से लेकर सारे काम है। हॉस्पिटलों के छोटे छोटे जो हम लोगों ने हॉस्पिटल्स बनाए वहां पे और दवाइयां फ्री करवा दी है, जेनेरिक दवाइयों के लिए कोशिश कर रहे हैं, पानी मुहैया करवा रहे हैं और हर जगह पर हर तरीके की फैसिलिटी, और यहां तक कि छोटे छोटे जो ठेले वाले और उनसे जो हफ्ता वसूली या दूसरी कुछ भी चीजें होती थी, परेशान होते थे, वो डायरेक्ट सीएम को फोन करके कंप्लेन कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा। हो गया आपका ना। चलिए भारतीय जनता पार्टी से पूछ लेते हैं, अच्छे दिन की बात हम भूल जाते हैं, नॉर्मली आप क्या बताएंगे इनको। देखिए ये पूरा झूठ, ये तो ऐसे कह रहे हैं कि इससे पहले दिल्ली में लोग ही नहीं रहते थे और इनके बाद में आने के बाद में दिल्ली में लोग रहने लगे जी। उसके बाद में उनको पानी मिलना शुरू हो गया, उनके बाद में उनको बिजली मिलना चालू हो गया, नहीं तो केजरीवाल जी से पहले उनको ये मिलता ही नहीं था। एक काम नहीं हुआ है, केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, वो खुद रोज कहते हैं। तो एक भी काम आज तक नहीं किया उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए, तो उनका ये तो बहुत ही बचकाना जिसको कहते हैं ये बयान है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर होकर कांग्रेस को भी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद में सब गरीबों के लिए और बैंक में खाता खुलवाने का
योजना शुरू किया, गरीबों को 12 रुपए में इंश्योरेंस जो आज तक नहीं मिला, 60 साल में बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। एकदम गरीब व्यक्ति, अगर एक गरीब कोई मजदूर है, ये इतने मजदूरों की बात करते हैं ना, आज तक इन्होंने क्यों नहीं किया, वो ऐसा मजदूर अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके छोटे बच्चे को 2 लाख रुपए का तुरंत इंश्योरेंस को देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। स्किल इंडिया के माध्यम से गरीबों को और प्रशिक्षण देने का काम, तब उसको पैसे मिलेंगे। ये अभी जो जिंदा आदमी उनके लिए क्या काम किया वो बताइए, सब होगा ना, इंश्योरेंस जो है ना मरने के बाद में उनको मिलेगा, ये बात बराबर है आपकी। इंश्योरेंस किया आपने 12 से फिर 500 गए, 500 से 5000 गए आप, लेकिन मेरी योगेश जी मुझे ये बताइए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसके डेथ के बाद मिलेगी, लेकिन जो आदमी जिंदा है 250 रुपए दाल क्रॉस कर रही है, गंभीर सवाल नहीं है, आपने आपका इंश्योरेंस किया है कि नहीं किया है, ये मुझे आज जवाब दीजिए। शर्मा जी, आपने कराया अपना जीवन बीमा? आपने क्यों किया? अगर आपने कराया है, जीवन बीमा की आप चिंता मत करिए, हम तो वैसे ही जान हथेली में लेके निकले हुए हैं, हमें बिल्कुल बीमे की चिंता भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों को जरूरत है, लोग बेचारे जिंदा है, जयप्रकाश जी ने करवाया है, मरने के बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, मरने के बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। योगेश जी बात सुनिए, जो देना है वो जीते जी दो। सुनिए, एक आदमी बैंक में जाता है, वो पूछता है मैं 12 रुपए जमा कर रहा हूँ, आप केवल यहाँ अब वो 5000 झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ना, फेरी वालों को उजाड़ना, गरीबों का हाय ले रहे हैं आज जनता जनार्दन, इसी को देखते हुए जो वालों को जान रहे हैं, झोपड़े वालों को जान रहे हैं, दिल्ली में भी झोपड़े वाले को जाना जा रहा है, महाराष्ट्र में भी, बंबई में भी झोपड़े वाले को जाना जा रहा है, उनके गरीबों पे हाय लग रही है। जीते जी क्या करेंगे, यह सवाल है योगेश जी के लिए, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए जी। जनता जनार्दन माफ नहीं कर रही है, सुन लीजिए योगेश जी, और आपको हटाती जा रही है, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे अभी अभी गुजरात में चुनाव हुआ हो, जिस जगह चुनाव है, जनता जनार्दन आपके काम को देख लिया और आपको, आपकी बात हो गई। अभी योगेश जी को सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको जी। योगेश जी देखिए, मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों चाहते हैं, पहले इन्होंने पूछा कि क्या काम किया, तो मैंने बताया कि गरीबों को उन्होंने 12 रुपए का इंश्योरेंस इन्होंने मुहैया करवाया, उनका बैंक अकाउंट खुलवाया, क्या नाम है, स्किल इंडिया के माध्यम से गरीब बच्चों को, और उन्होंने जो प्रोफेशनल कोर्सेज का इतना बड़ा जाल, पहली बार स्किल इंडिया के लिए इसका फायदा क्या अमीरों को मिलेगा कि इंडस्ट्रियलिस्टों को मिलेगा, कि इंडस्ट्रियलिस्टों को मिलेगा, स्किल इंडिया का फायदा गरीबों के बच्चों को मिलेगा, वो जब अपने हाथ का हर हाथ को काम और मेहनत का पूरा लेंगे दाम, इस बेस के ऊपर उन सब गरीब बच्चों के लिए उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज चालू कराए, तो ये इनको काम ही नहीं दिख रहा है। अभी अभी आपने पूछा कि केजरीवाल ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि वो गरीब दवाइयां वितरण करना चालू कर दिया, ये कर दिया, क्या क्या क्या, क्या डिबेट है, क्या है? चलिए, आप दोनों के बीच में कांग्रेस है, आप दोनों योगेश जी कोई बात, हाँ, आप दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिलहाल कांग्रेस किस तरह से सब देख रही है उनसे जानते हैं। जयप्रकाश जी, आपने आम आदमी पार्टी की भी भावना सुनी और भारतीय जनता पार्टी की भी, आप क्या कहेंगे इस पूरी तस्वीर को देखकर? हमने गरीब आदमी के लिए 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो मकई, इस तरह का गरीब आदमी के लिए हमारी पार्टी ने व्यवस्था किया। हर गरीब आदमी के लिए 1.5 करोड़ रुपये, 1.5 लाख रुपये तक का दवा का सालाना भुगतान करने का हमारा पार्टी ने निश्चय किया। फेरी वालों के लिए कानून जो बना रहे थे कि सबको लाइसेंस दिया जाए, उसको कोई अधिकारी न भगावे, कोई तकलीफ न दे, उसको रोक दिया बीजेपी ने, उनकी सरकार आई और रुकावट आ गई। झोपड़पट्टी को उनको झोपड़े के बदले बिल्डिंग में घर दिया जाए, यह काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसमें भी अभी रुकावट आ गया है कि ठीक से उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है और झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, दिल्ली में भी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, बॉम्बे में भी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, और गरीब एकदम परेशान है। आप बड़ा बड़ा बुलेट ट्रेन लाना चाहते हैं, लेकिन भारत के रोड को ठीक नहीं करना चाहते, जिससे आदमी पैदल भी चल सके, अपनी छोटी मोटी गाड़ी साधन से भी चल सके, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मेट्रो ट्रेन लड़े, उसमें कौन चढ़ेगा? पैसे वाले चढ़ेंगे। आम आदमी के लिए सही में कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए आम आदमी परेशान है। और बिहार में आपको बदल दिया, एक तो आप आपस में भाईचारा खत्म कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, इसको जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। इस तरह से जनता को लड़ाइए, तो जोड़ के सबको साथ में लेके चलिए, और जो वादा किया है उसको पूरा करिए। यह मेरी शुभकामना है, मेरी इच्छा है, मेरी चाहत है, और आप अपनी समय पूरा करिए, लेकिन
चाहे बीजेपी ने बनाए होंगे इस देश के अंदर बहुत सारे झूठ बोल करके दिल्ली में, अब अरविंद केजरीवाल जी भी दिल्ली में झूठ बोल करके आ गए और केंद्र में बीजेपी सरकार भी झूठ एक जब कोई विद्यार्थी एग्जाम हॉल में जाता है, क्वेश्चन खराब होता है तो उसको एहसास होता है, घर पे वो बताता है कि हमने गलत सवाल का जवाब दिया। लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियां कभी स्वीकार करेंगी, आत्ममंथन करेंगी? शर्मा जी, आपको लगता है कि क्या कोई भी पार्टी खुलकर कहेगी कि हाँ हमसे गलती हुई है? ये समय आ रहा है, बहुत जल्दी ये पारदर्शिता दिखेगी, क्योंकि जनता के सामने जनता के लिए जो काम किए जाएंगे टोटल ट्रांसपेरेंसी रहेगी उसके अंदर। क्योंकि राजेंद्र कुमार पर जिस तरह से छापेमारी हुई है, आपके अंदर जो आक्रोश है, जो क्रोध है वो दिख रहा है, आपको नहीं लगता कि वाकई शांतिपूर्ण ढंग से इसका सामना करना चाहिए? नहीं, हम लोग कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अगर गलत हैं और दिल्ली से लेकर पूरे देश में अगर हमारे कार्यकर्ता या हमारी टीम के कोई भी मंत्री किस तरीके की कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, आप उनको सजा दीजिए। जो देश का कानून है, आप डबल गेम स्टैंडर्ड क्यों रखे हुए हैं? आप 10 आदमियों को छोड़ करके एक आदमी को टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो केजरीवाल के साथ है, तो उसकी फाइल चेक की जाए। आप दूसरों को भी पकड़िए, आप उससे बड़े बड़े मगरमच्छ यहाँ बैठे हुए हैं जिनके ऊपर कई केस है, आपके आपके मंत्री पद में, आपकी खुद की सरकार में। दूसरों पर, दूसरों के बारे में आप क्यों कह रहे हैं? आप पहले अपने अपने ऊपर जो भी दाग लगा रहे हैं, तो जनता के सामने है हमारा, उससे क्या जनता का मन भटकेगा? जनता को देखो बच रहा, डर रहा है। जनता से लेके मीडिया तक कोई भी हमें कहे कि ये मंत्री आपका दागी है, उससे ये किया, हम सेम डे आपको 2 घंटे भी नहीं लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ये मंत्री पद से बाहर। शर्मा जी, ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश जी भी जुड़े हुए हैं, योगेश जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन जनता का अपना एक तरीका होता है। जनता को देखिए, हम इग्नोर नहीं कर सकते, पहले जनता की राय ले लेते हैं कि जनता इस पूरे विवाद को लेकर क्या कहती है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की जनता क्या कहती है इस पूरे मसले को लेकर, सुन लेते हैं पहले जनता की आवाज। ईमानदार मुख्यमंत्री को जिस तरह से परेशान किया जाए, पहले इलेक्शन में भी यही किया, अरे आपने 1.5 साल 2 साल में अभी तक अच्छे दिन नहीं लाए, और वो 2 महीने में आप उनसे कह रहे हो कि वो सब कुछ लाकर कर दे, बिजली फ्री कर दे, पानी फ्री कर दे। नहीं साहब, एक सिस्टम को समझने के लिए समय चाहिए, हाँ, और वो समय इनको भी चाहिए, और ये बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, उनको डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की छापेमारी की जा रही है। जी, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जितना वो देश के लिए अभी कर रहे हैं, जितना उन्होंने हिंदुस्तान के एक देश को, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जो हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड के कोने कोने में जिसका नाम चल रहा है, राष्ट्रगान को जहाँ महत्व दिया जा रहा है, ऐसी ऐसी पावर्स आई हैं कि जो हम अभी किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं, जो इंडिया के पास नहीं थी, मोदी जी के पास आई है, ऐसी कई सारी बड़ी चीज़ें ये यूथ समझ सकती है। राजनीति करना अलग हो गया, और एक दिमाग से एक पढ़ा लिखा इंसान जो अपनी टीम बनाकर करता है, वो मोदी जी काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर में 5 साल तो नहीं बोलूंगा कि फ्यूचर में इंडिया को बहुत काम आने वाली है। मैं नहीं समझता कि उनमें उनका कोई हाथ है, क्योंकि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जो है, इनका अस्तित्व भी बना है किसी को हटा के किसी को गिराना। अन्ना हजारे के साथ इन्होंने क्या किया दुनिया को पता है, और ये क्योंकि 4 विधायक ये भी कह रहे थे शुरू में, अरविंद केजरीवाल भी सपोर्ट में थे कि उनके 4 विधायक पाक साफ हैं, ईमानदारी का दावा किया गया था, अल्टीमेटली ये पता चला कि चारों के चारों करप्टेड थे। अब इसमें सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ये तो अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले जिस घर में वो रह रहे थे वो भी एक इलीगली था, अल्टीमेटली उसको छोड़ना पड़ा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ये ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे, क्योंकि उनके काम करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो विदेश दौरे में जा रहे हैं कि भारत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हों, कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो, कुछ रोज़गार मिले। इस टाइम मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन करेंसी आई है, FDI जो आई, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में आई है, ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। और मोदी जी छोटे मोटे काम तो ऐसे करेंगे नहीं। तो भैया, पब्लिक है, सब जानती है, और सबसे बड़ी ताकत पब्लिक को ये है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की उसे आज़ादी मिली हुई है। बहुत ही कम समय रह गया है, शर्मा जी आप अपनी पूरी बात रख लीजिए संक्षेप में। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई में हैं, और हमारा मेन मुद्दा इस पार्टी का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि हम इस देश में से करप्शन 0 से लेकर ऊपर लेवल तक हम खत्म करेंगे, और हम उसी रास्ते पर हैं। और उसके बीच में अगर जो भी आ रहे हैं, जिनकी भी फाइलें आ रही हैं, क्योंकि इस देश के अंदर सारे मिले जुले अपने कारोबार चलाते रहे हैं, अब उसमें एक एक करके, क्योंकि जैसे कह रहे हैं, पब्लिक भी कह रही है कि थोड़ा टाइम जो लगेगा वो लगेगा, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसमें बड़े लोगों की फाइलें भी आएगी, और उस तरीके से जो भी ये काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में है, पहले एंटी करप्शन को हटाया, फिर दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी की, खुल करके हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। और ये जांच भी हो जान दीजिए ना,
जी क्या जांच हो जाने दीजिए, सीबीआई जांच, हम जांच के लिए हमारी बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं वो बताइए ना आप हमको, आप कौन सी फाइल है, किस बहाने से आकर के ढूंढ रहे थे मुख्यमंत्री की कैबिनेट ऑफिस को आपने सील किया है, वो तो सरकार जाकर के फाइलें खंगाल रहे हो। वेंकैया नायडू जी और वित्त मंत्री ने अपना पूरा पक्ष रखा है, उससे यही मैसेज गया है कि सरकार का कोई लेना देना नहीं है। कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं हम, उससे उनको इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम भी कह रहे हैं, लेकिन कहना और जो करना है उसमें उनका फर्क है और ये जनता देख रही है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें साफ हो जाएगी, क्योंकि काम जो है जिस तरीके से जो कार्यवाही होगी इस देश के अंदर पहला ये इतिहास बना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति के नाम केस दर्ज किया कोर्ट के अंदर और उसके बाद यहाँ इतिहास बदला है, ठीक है, और जनता, ये जनता को मालूम, बिल्कुल जनता को सब मालूम है, कांग्रेस को क्या मालूम है इस पूरे संदर्भ में, संक्षेप में जयप्रकाश जी? आपने जो कहा कि पार्टी अपने हार पर विचार करती है, कांग्रेस पार्टी ने भी विचार किया कि हमने झूठा वादा नहीं किया इसलिए हार गए, झूठा वादा करने वाले दिल्ली में भी जीत गए और केंद्र में भी जीत गए, और जो भी किया सच जनता, हाँ जो काम किया वो झूठा प्रचार नहीं किया इसलिए हम हार गए, और जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन है, अब जहां जहां भी चुनाव होगा जनता भी पछता रही है कि हमने किसको जिता दिया दिल्ली में और किसको जिता दिया देश में, अब जहां जहां चुनाव हो रहा है आप उसका रिजल्ट सामने है, आप देख ही रहे हैं कि जनता पछता रही है, और अपने अपने गरीब भाइयों का साथ देने वाले कांग्रेस पार्टी को फिर से लाना चाहती है और ला रही है, और मैं आम आदमी के गरीब आदमी जो के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रहेगी, जो उनके जीते जी देना चाहती है उनको रोटी कपड़ा और मकान वो देने का काम करती रहेगी जो कर रही है। अच्छी बात ये अच्छी बात है कांग्रेस का, लेकिन 67 साल इन्होंने ऐसे गंवा दिए, अब सोच के फायदा नहीं है, चलिए गाड़ियां बहुत दूर निकल, फ्लैशबैक हो गया, वो तो इतिहास बन गया है, आप देख रहे हैं आपकी भी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस तो थोड़ी बहुत परेशान होगी। इस खास चर्चा में आज हमने ये जानने की कोशिश की कि सत्ता में बैठे जो लोग होते हैं, और जाहिर सी बात है अलग अलग पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी का अपना दर्द है, भारतीय जनता पार्टी का अपना दर्द है, और इस पूरे दर्द को लेकर कांग्रेस भी बेदर्द नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन बोल जरूर सकती है, लेकिन असली जो ताकत है वो देश की जनता है, जनता सब समझती है, क्योंकि जनता ही इस देश को दिशा देती है सरकार के जरिए। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जयप्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और योगेश वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यही है लोकतंत्र का तकाजा कि खुलकर बात करें, सच्चाई का सामना करें, लेकिन राजनीति में होता वही है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और जनता थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज हो जाती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद जो फाइनल डिसीजन आता है उसमें भी बहुत कुछ विवाद जुड़ा होता है, तो जनता ही जागरूक है, समझदार है, जनता तय करेगी सच्चा कौन है झूठा कौन है। लेमन प्राइम टाइम में आज इतना ही, कल किसी अलग मुद्दे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है सूरज थापर। हाय, दिस इज पूनम जिलन। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे। हाय गाइस, मैं हूँ करण भाई। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज़। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। एंड यू आर वाचिंग लेमन न्यूज़। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। और आप देख रहे हैं लेमन न्यूज़। आपकी खबर।
दिल्ली में सीएम के दफ्तर पर सीबीआई का छापा, केजरीवाल ने किया कड़ा विरोध। बीजेपी ने कहा सीबीआई पर केंद्र सरकार का जोर नहीं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल पर बोला हमला। मुंबई में हेमा उपाध्याय मर्डर केस में आज आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। तीनों आरोपियों को 19 दिसंबर तक भेजा गया पुलिस हिरासत में। देश के सबसे बड़े युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य पर होगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी करेंगे तीनों सेनाओं के साथ अहम बैठक। पीएम के साथ सुरक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। आईपीएल सीजन 9 के लिए खिलाड़ियों की हुई नीलामी। धोनी बिके 12.5 करोड़ में। पुणे की टीम के लिए खेलेंगे धोनी, तो वही सुरेश रैना राजकोट के लिए खेलेंगे। और आज तेल कंपनियों की अहम बैठक। कच्चे तेल के दाम कम होने से 4 रुपए कम हो सकते हैं पेट्रोल के दाम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गीता और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे सीबीआई के छापे की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में सीबीआई ने छापा मारा। इस बात की जानकारी खुद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए सबको दी। उनका दफ्तर सचिवालय की 3री मंजिल पर है और छापेमारी की खबर के तुरंत बाद केजरीवाल ने पीएम को कायर भी बताया जा रहा है कि उनके प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार से जुड़े मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है और छापेमारी की खबर आते ही केजरीवाल दिल्ली सचिवालय के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि ये छापेमारी जो की गई है केजरीवाल के प्रधान सचिव के दफ्तर घर समेत 6 अलग अलग जगहों पर सीबीआई ने ये छापा मारा है। कई लाख कैश बरामद किए गए हैं। सीबीआई ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत आज दिल्ली सचिवालय में प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और उनके घर पर छापेमारी की। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने दिनेश गुप्ता, ए के दुग्गल, जी के नंदा, आर एस कौशिक और एस कुमार के ठिकानों को मिलाकर 6 जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को 6 आरोपी जी के नंदा से 10 लाख मिले हैं और जबकि राजेंद्र से यहां पर 2.5 लाख रुपए और 3 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले। सीबीआई का यह भी कहना है कि राजेंद्र कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे और उन्होंने कहने पर अपना ईमेल अकाउंट नहीं खोला। उधर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि राजेंद्र कुमार की प्रॉपर्टी घोषित की जा चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार 1979 बैच के IAS अधिकारी हैं और केजरीवाल ने राजेंद्र कुमार को अपने 49 दिन के पहले कार्यकाल के दौरान प्रधान सचिव बनाया था। तो जिस मामले में ये कार्रवाई हो रही है क्या है वो मामला आपको बता दें कि क्या है सीएनजी फिटनेस घोटाला। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में सीएनजी किट लगाने के लिए 2 कंपनियों को ठेका दिया गया था और अब यह आरोप है कि इसमें 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिल्ली सरकार को उठाना पड़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जब उस तत्कालीन मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के समय सीएनजी किट लगाने का ठेका एक कंपनी को दिया गया था और इसमें कई खामियां भी मिली। बिना टेंडर का ठेका दिया गया था और इसमें खर्च सरकार कर रही थी और आमदनी कंपनी ले रही थी। फर्जी फिटनेस टेस्ट करके पैसा लिया जा रहा था और जांच में पाया गया कि 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिल्ली सरकार को उठाना पड़ा। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है राजेंद्र कुमार और किस तरह का उनका प्रोफाइल रहा। तो सीनियर आईएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार फरवरी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किए गए थे और राजेंद्र कुमार 1999 बैच के आईएएस अधिकारी भी हैं। राजेंद्र कुमार अरविंद केजरीवाल की तरह ही आईआईटी दिल्ली के एलुमिनाई है और वरिष्ठ अधिकारी धर्मपाल को हटाकर राजेंद्र कुमार को दिल्ली के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था और राजेंद्र कुमार पर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप अब लग रहा है। साल 2013 में राजेंद्र कुमार को परिवहन आयुक्त नियुक्त भी किया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कौन है राजेंद्र कुमार, इसका ब्यौरा इससे साफ हो जाता है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको जानकारी दी। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार आईएएस अधिकारी भी है और राजेंद्र कुमार को अपने 49